सपना आया था ना रात को, तो इसलिए डर के मारे। वो बाबूसा को पता चल गया तो बाबूसा हमारा ध्यान रखने के लिए नई मासा ला रहे हैं, और मुझे नई मासा ना चाहिए, वो बुरी होती है और वो भाई साहब से मारे को अलग कर देगी। बोली तुम बोलो ना बाबूसा को, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं अपना ध्यान खुद से रख सकती हूँ और अब मैं मस्ती भी ना करूंगी और वो नई मासा ना लाए। फूली तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? बापूसा को मत बताने की चतर में मैंने गड़बड़ की है, वरना वो नई मासा पक्का ला देंगे। फूली तुम बहुत अच्छी हो। काश मैं ही थारी मासा बन जाती। कुछ छोरियों की फोटो लाई हो, इनमें से देख के आप फैसला कर लीजिए कि आपके बच्चों के लिए नई माँ कौन ला गया है। ये लड़की के साथ आपकी जोड़ी बहुत जमेगी। जितनी खूबसूरत स्वभाव में उतनी सरल और संस्कारी। देखिए प्रसाद, क्या क्या बात होगी, क्या कर रही है? मारे बापू सब वही लाते जो मन्ने चाहिए और मन्ने नहीं मान नहीं चाहिए। आप जाओ यहाँ से। क्यों बापू सा, आप नहीं मान नहीं लाओगे ना? मुझे जरूरत नहीं है नई मासा की। बच्चे चोर, ये तूफानी बिल्ली सरपंच सा की बेटी, अरे मरी गई थोड़ी किस्मत पानी में चपुरी। चलो रसाल, बेटा रसाल, रसाल मुझे नहीं हमारी बात सुन बेटा, हमारी बात सुन बेटा, ऐसा नहीं करते रसाल, बेटा ऐसा नहीं करते, हमारी बात सुन रसाल। कुछ ना हो रहा बेटा, क्या कर रही है? नहीं रसाल, मारा अंदर लेके जा, अंदर लेके जा रसाल, क्या मुझे नहीं चाहिए, जा ले जा रसाल, मुझे नहीं चाहिए, चल हमारे साथ, चल अंदर। माफ कीजिएगा भाई साहब, छोटी बच्ची है, अब आप चलिए। अरे लगता है छोरी नो तस्वीर जची ना, पर मारे पास एक से एक नगीन छोरी की फोटो है। ये देखो, गई महीने 21 वर्ष की हुई, बहुत खूबसूरत है। भाई साहब हमारे को हमारे बच्चों के लिए माँ चाहिए, अपने लिए बीवी नहीं। और वैसे भी इतनी कम उम्र की छोरी के ऊपर दो दो बच्चों की जिम्मेदारी डालकर उसकी जिंदगी बर्बाद ना करना चाहूँ मैं। कोई बात नहीं, आप कोई और रिश्ता होगा तो वो लेकर आइएगा, तब बात करेंगे। राम राम। मारो छड़ी। पैसा। एक बार इस शैतान की पुरिया का बाप मारे मुट्ठी आ जाए ना, फिर इस छोरी ने पोटली में पत्थर मार के दरिया फेंकाऊंगी। चकोरी, तारी सकल पे मोटे मोटे अक्षरों से लिखा है कि शिकार तारे हाथ नहीं लगा। इतनी भर की छोरी को तो उसको तो मैं कच्चा जमा जाऊंगी। यो किसका फोन आ गया? हेलो, आप अमरेंद्र साहब बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ। जी मैं भीम सिंह बोल रहा हूँ। फूली मारी बहन, आपने फोटो भेजी थी रिश्ते के लिए? हाँ जी हाँ जी, वो फोटो मैंने भेजी थी। तो हम चाहते थे कि एक बार आपसे मुलाकात हो जाए, ताकि सामने सामने बैठकर रिश्ते की बात हो सके।
जी बिल्कुल, हम कल मिल लेते हैं। इस बात की खुशी है रे, लक्ष्मी जी ने सामने से नहीं उतर भेजा है। वो घुंगी छोकरी याद है तुम्हें? फूली, उसके घर वालों को फोटो भेजी थी मैंने रिश्ते के लिए, तो उनको दूल्हा पसंद आ गया है। अमरिंदर साहब मिलने के लिए तैयार हो गए हैं और मारे को तो ऐसा लगता है कि इस बार फूली का रिश्ता पक्का हो जाएगा। भगवान करे रिश्ता पक्का हो जाए, आज कुछ मीठा हो जावे। चलिए मैंने दिमाग खर्च करके फोटो भेजी थी अपनी। अरे चोर का ही का। अरे चकोरी, क्या फर्क पड़ता है मेडल चाहे थारे गले में टंगे चाहे मारे गले में, बड़ी बात यो है कि मारा शिकार फंस गया है। अब जैसे तय हुआ था कि जो जीतेगा हारने वाले को जीतने वाले की मदद करनी पड़ेगी अपनी सारी कोशिशें छोड़ के, तो अब अपने सरपंच साह को भूल जा, अपना अगला शिकार वो गुंगी है। रसू,